चले जाओ शांति से पहले। नीचे खींच, पर अभी रिद्धि को दूध निकालने नहीं आ रहा है। अरे मारेगी मेरे को। रहने दो आप। वाओ मारो मत। पूरा हिला। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सहवाग रिद्धि व्लॉग। और आई होप कि आप सभी लोग ठीक हो गए। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को भी दबा देना, क्योंकि हमारी नई वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अभी मेरे को साड़ी भी चेंज करनी है और ये नहाने गए, तो वो नहा के आएंगे फिर हम व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी मैं नहाकर आ गया हूँ और रिद्धि ने भी चेंज कर लिया। तो सबसे पहले करेंगे माता दी के दर्शन और चाय भी पीनी है तो चाय भी पी लेते हैं। और अभी बजे शाम के 6 और आपको लग रहा होगा कि अभी 6 बजे कौन नहाता है, तो अभी हम दो बार नहाते हैं, क्योंकि आपको पता है गर्मियों का सीजन चल रहा है तो बहुत ही पसीना पसीना हो जाता है पूरा शरीर, इसीलिए दो बार नहाना पड़ता है। तो चलो पहले माता दी के दर्शन कर लेते हैं, बाद में ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। और ये रही रिद्धि, जो काफ़ी टाइम से मतलब रेडी होकर बैठी, चलो आओ माता दी के दर्शन करते हैं। तो चलो पहले माता दी के दर्शन करते हैं, बाद में ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। देखो माता दी की रंगोली बनाई है और हर संडे को बनाई जाती है, जोगनी माता दी का मंदिर है। और ये देखो रिद्धि कब से रेडी, मतलब रेडी होकर बैठी है कि आओ माता दी के दर्शन करते हैं। तो चलो अभी दर्शन कर लेते हैं माता दी के। तो फ्रेंड्स, अभी माता दी के दर्शन कर लिए, तो सबसे पहले चलो अभी रिद्धि चाय लेकर आओ, चाय पीनी है और अभी चाय भी पीनी है। तो चलो रिद्धि चाय लेकर आते हैं, तो चाय पी लेते हैं, बाद में ब्लॉग कंटिन्यू। रिद्धि चाय लेने गई थी तो अभी चाय लेकर आ गई, तो चाय पी लेते हैं। तो तेरे को पीनी है चाय? क्यों? हाँ तो निकाल दे, नीचे ही निकाल देना। बस बस है, इतनी ज्यादा नहीं, थोड़ी वापस जाने दे, इतनी ज्यादा नहीं पीनी मेरे को, वापस जाने दे। इतनी ज्यादा कौन पीते हैं, जाने दे भी, अभी जाने दे। बस बस थोड़ी सी पीनी है। तो अभी सनी भाई को भेजता हूँ दूध और बिस्किट। कौन सा है? कौन सा? ब्रेड। तो चलो सनी भाई को भेजता हूँ, लेकर आएगा तभी आप पी लो। क्या पैसा ले लोगी? नहीं है, निकाल दो। एक दूध गोल्ड, हाँ, और एक क्रैक जैक, ठीक है ठीक है। सनी भाई को दुकान भेजा तो अभी उनका वेट कर गई, अभी ऐसे बैठ गई, इधर बैठ गई, पहले अभी उधर मेरा वेट करके कैसे बैठी थी, ऐसे क्यों बैठी हो? भूख लगी है मेरे को। और ये रहे नानी माँ, सिस्टर। नानी माँ कुछ तो बोलो, आप तो कुछ बोलते नहीं। मारू मुझे हिला था। क्या हुआ? मुंह हिल रहा है। कहाँ से, कहाँ से हिल रहा है? तो नानी माँ बोल रही कि उनका मतलब मुंह में मुंह हिल रहा है, तो पता नहीं चल रहा है कैसे। और ये रहे सिस्टर, जो भी पानी की बोतल लेकर आ गए। और फ्रिज पूरा खाली हो जाता है, पूरे दिन में कितनी बोतल खाली हो जाती होगी सिस्टर? कितनी बोतल खाली हो जाती होगी दिन में? 20 से 25 हो जाती होगी, है ना? उससे भी ज़्यादा, मतलब ये देखो 3 से 4 बार, मतलब उससे भी। अब अभी कुछ बोतल है, ये नहीं देखो जो सिस्टर अभी अब लेकर आ रही है, काफ़ी जगह पर पड़ी होगी, तो बहुत सारा पानी ख़त्म हो जाता है फ्रिज से। और ये
पानी का जो जग है वो भी पूरा भरा हुआ होता है, वो भी ख़त्म हो जाता है। और इधर पानी पूरे दिन चालू रहता है, इसीलिए पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं आती इधर। और अभी माता दी की तरफ आ जाते हैं हम लोग। और आप सभी को पता होगा जो डेली ब्लॉग देखते हैं हमारे, मतलब हमारे ब्लॉग आते हैं वो जो आते ही देख लेते हैं, उनको पता चल जाता होगा कि हर संडे को हमारी माता दी की फूलों से बनाई रंगोली बनाई जाती है माता दी की। और देखो कितनी सुंदर है। और अभी जो सिस्टर आपने देखी होगी जो बोतल लेकर आया, बोतलें बनने के लिए आ रही थी पानी की, वही बनाती है ये और मामा दोनों मिलकर। और आज मैं भी पूरी रात सोया नहीं था, इसीलिए आज ब्लॉग का मतलब का बहुत ही लेट ब्लॉग स्टार्ट किया। और ये देखो कहाँ से ढूंढ कर ला रही है। और ये रहे सभी लोग, दो सिस्टर और मामू, वो लोग नहा रहे हैं अंदर टंकी के अंदर। टंकी को मतलब साफ करके अभी पानी भरा है, तो वो लोग अभी उसके अंदर नहा रहे हैं। ये रही सिस्टर और ये रहे मामा, जो भी टंकी साफ करके अभी उसके अंदर पानी भर दिया, तो पूरे दिन इसके अंदर ही मैं भी उधर ही नहा रहा था। और बाद में अच्छे पानी से नहाकर अभी ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। तो चलो अभी सन्नी भाई अभी आ गए होंगे। सन्नी भाई बहुत दूर गए लगता है, इस दुकान पास ही में, लेकिन उधर होगा नहीं इसलिए बहुत ही लेट हो गया। ये रहा लालू। तो चलो अभी सनी भाई आते हैं, बाद में ब्लॉग कंटिन्यू कर रहे। अभी सनी भाई आ गए, क्यों इतनी टाइम लग गया? मुझे लगा आप आगे गए, इधर दूध नहीं होगा इसलिए। पूरा गोल तेरे को पी जाना है, ठीक है? ये नहीं खाना चाहिए नमकीन। चल ये पी ले अभी दूध। अभी बैठी रहेगी, कब की भूख लगी थी, कैसे बैठी थी, लाचार हो गए। जाओ और पी लो जल्दी से। तो अभी रिद्धि दूध और क्रैक जैक खा रही है, तो तुम खा लो दूध और क्रैक जैक, बाद में बाहर आओ। मामा वो लोग भी जॉब से आ गए, तो मैं बाहर जा रहा हूँ। और ये रही देखो पानी की सभी बोतल सिस्टर ने भर दी। और अभी ये रहा फ्रिज, और ये रही मामी, ये भी जो भी मामा नहा रहे थे टंकी में, उनकी भाई भी। तो ये पानी की बोतल पूरा फ्रिज भर जाएगा पूरी, मतलब ये दिन में दो तीन बार ख़त्म हो जाता है इतनी बोतल पानी की। और वो जग भी। तो ये रहे मामा जो अभी बाहर रहते हैं, लेकिन हर दिन इधर आते रहते हैं। एक और भी उसके अलावा एक और भी घर है, तो उधर रहते हैं। और ये रहे सनी भाई, और ये रहे एक और मामा, महेश मामा नाम है उनका। और ये मामा अभी जॉब से आए, जो अक्सर दम में जॉब करते हैं। और नानी माँ जब भी मैं ब्लॉग स्टार्ट करता हूँ वो सब्जी काट रही होती है, दोपहर को सुबह जब भी मैं ब्लॉग स्टार्ट करता हूँ उनके हाथ में तो चाकू और सब्जी होती है। और ये रही मामी जो आज अभी दूध निकालने जाएगी भैंस का, और साथ में रिद्धि को भी ले जाएगी और रिद्धि को भी सिखाएगी दूध निकालना। तो चलो आज के ब्लॉग में काफ़ी मजा आने वाला है, तो चलो ब्लॉग कंटिन्यू कर दें। मामी और रिद्धि दोनों अभी भैंस से दूध निकालने जा रहे हैं, और अभी मैं छत पे जा रहा हूँ भैंस के लिए चारा डालने के लिए। तो अभी छत पे चलता हूँ, और नीचे डालना पड़ेगा भैंस के लिए चारा है, वो ऊपर रखा हुआ है जो डालना पड़ेगा नीचे पे। और रिद्धि और मामी दोनों दूध निकालेगा, और आज रिद्धि को पहले फर्स्ट बार रिद्धि दूध निकालेगी भैंस से। और ये रही नीचे भैंस, इधर है। तो चलो अभी मैं नीचे डाल देता हूँ, ये ले लिया तो अभी नीचे डाल देता हूँ। तो अभी नीचे डाल दिया, तो चलो चलते हैं नीचे मामी और रिद्धि के पास। अभी ये जा रहे हैं मामी और रिद्धि दोनों भैंस के पास दूध निकालने के लिए। इधर देखो रिद्धि, कर पाओगी क्या तुम? मामी का तो रोज का काम है, लेकिन तुम्हारा फर्स्ट टाइम है, तुम्हें इससे पहले इसे भैंस से दूध निकाला कभी? बोलो इधर देखकर। नहीं निकाला कभी नहीं। आज निकाल पाओगे या नहीं? नहीं निकाल पाओगे।
जब तक दूध निकालोगे नहीं वैसे मामी जाने नहीं देगी तेरे को। और ये देखो रिद्धि फर्स्ट टाइम दूध निकालने के लिए आई, वैसे तो ये लोग भी देखने के लिए आ गए। जाओ रिद्धि मामी के पास। और ये खूंखार वैसे जो बच्चे जाओ मामी के पास, मामी बुला रही है। ये रही, चले जाओ शांति से पहले। और ये बेस बहुत ही खूंखार है देखो। तो अभी पहले मामी दूध निकाल रही, बाद में रिद्धि को निकालने के लिए देगी। रिद्धि देख लो मामी कैसे निकाल रही है, बाद में तुम्हें भी आसानी होगी। कौन थंबनेल ले लेना है, और इस तरह भी देखना, मैं थंबनेल ले लूंगा ठीक है। मामी तुम उस तरह चले जाओ। इस तरफ आ जाओ तुम, मामी रिद्धि को इस तरफ आने दो, नहीं मारेगी मामी के पास में। तब तक आ जाओ इस तरफ। और पास में बैठ, हो रही ऐसे दूर से कौन दूध निकालता है। इधर देख निकाल दो, ऐसे मामी सिखा रही ऐसे कर। नीचे खींच, पर अभी रिद्धि को दूध निकालने नहीं आ रहा है। दो हाथ से निकाल, ऐसे कैसे निकालेगी। नहीं नहीं, नहीं बैठ जा मामी, जाने मत दो उसको, बैठ जा बैठ जा। जो मामी सिखा रहे ऐसे करना, कोशिश भी नहीं कर रही कैसे होगा। नीचे खींच थोड़ा, थोड़ी पास में जा, मैं थंबनेल अच्छे से लेता हूँ। थोड़ी पास में जा, मैं थंबनेल अच्छे से लेता हूँ। दोनों हाथों से निकाल मामी, हाथ ले लो आप, वो ले लो हाथ दीदी, दोनों हाथों से इधर देखना, दोनों हाथों से वो कर अलग है, बस मामी हाथ इधर देख। अरे मुंह से ये तो हटा तो सही, हो गया थंबनेल निकाल। अभी क्या कर रही है, निकालेगी नहीं। जो मामी कैसे निकाल रही है, मामी को तो मतलब डेली की प्रैक्टिस है, मतलब वो तो निकाल लेगी। देखो ऐसे निकाला जाता है दूध। और रिद्धि का तो ये दूध पीना भी पसंद नहीं है, उसको तो दुकान का ही दूध पसंद है। ये प्योर दूध नहीं पी रही, और वो जो मिलावटी दूध आ रहा है वो पी रही है। एक और बार ट्राई कर रिद्धि, ट्राई तो कर। रुक मैं भी ट्राई करता हूँ, पकड़ ये पकड़। मेरे को ये देखकर ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल आसान है, लेकिन मैं एक बार ट्राई नहीं करूँगा तो मुझे भी पकड़। मामी मैं आ रहा हूँ ठीक है, मारेगी तो नहीं ना, बिना डरे आ रहा हूँ एक बार तो। अरे मारेगी मेरे को मामी, ये मेरे को मार रही है। ये टोपी पहन ले, मार मत, मारो मत मेरे को। हाँ? मारो मत, मैं आपका रिश्तेदार ही हूँ। आदमी कोई आए नहीं जो देखे,
अरे वाह, रहने दो आप। वाओ, मारो मत। पूरा हिला दिया क्या तूने तो? नहीं वो बांधा हुआ इसलिए, ठीक है, नहीं तो इधर दिखा रही, इधर जाना पड़ता मेरे को, एक लगती तो इधर चला जाता मैं। तो चलो अभी मामी दूध निकाल रही है, तो तब तक हम रील्स भी बनानी है, तो रील्स बना लेते, बाद में व्लॉग कंटिन्यू करते। चल आजा आजा, चल आप चलते रील्स बनाने। क्या हुआ? आने के लिए जाना था, रिद्धि उधर से तो आ गई है, तो मेरे को मार रही है, लेकिन रिद्धि को नहीं मार रही। मुझे लगा आसान होगा, मुझे लगा मामी ऐसे निकाल रही, देखो अभी कैसे निकाल रही है, तो मुझे लगा आसान होगा, लेकिन मैं तो इधर बैठ भी नहीं पाया, क्योंकि कभी कोई बॉस मतलब आया नहीं भैंस के पास में, इसीलिए मेरे को तो देख के भड़क जाती है। तो मुझे तो, मैंने ट्राई करने के लिए जा रहा था, लेकिन नहीं, मेरे को तो मारने के लिए आ रही है। और इधर से जाना है, लेकिन ये हम जब आए तब बैठी हुई थी और अभी खड़ी हो गई है। अगर इधर से जाने की कोशिश की तो देखो, तो देख तो मतलब अभी मैं ट्राई करता हूँ, देखो कैसे दिख रही है। ऐसा बोल रही जाने नहीं, देखे तुम ऐसा बोल रहे, देखो तोड़ मत देना ये उधर से छूट गई ना तो खत्म, देखो नो, नो, नो। तुम जाओ रिद्धि, तेरे को नहीं मारेगी। नहीं। तो मामी ने भी दूध निकाल लिया, मामी आप उसको समझाओ, हम निकल जाएगी। और ये तीनों भेजे मतलब मामी की बात मतलब समझते नहीं, लेकिन मामी बीच में आएगी तो वो कुछ भी नहीं करेगी। तो मामी ने उनको चारा डाल दिया, वो चारा खाने में बिजी हो गए, तब तक हम निकल जाएंगे, लेकिन रुको। चलो चलो, नहीं कुछ भी नहीं किया, निकल गए। तो चलो अभी रील्स बना रहे बनाते हैं अभी। और ये देखो टंकी में पूरा दिन नहा नहा कर कैसी आंखें कैसी हो गई लाल लाल। तो चलो अभी सनी भाई को बुलाते और रील्स बनाते हैं। और मामी ने दूध काफ़ी सारा निकाल लिया, तो चलो अभी रील्स बनाते और ब्लॉग कंटिन्यू करते। अभी हम लोग आ गए छत पे रील्स बनाने के लिए। हाँ, अभी हम लोग जाने वाले थे हमारे गांव के बाहर ही, अभी एक नदी है उधर रील्स बनाने के लिए जाने वाले थे, लेकिन सनी भाई को भी कुछ काम था और मामा ने भी बोला कि अभी नहीं, और सनी भाई को कुछ काम है, इसलिए हम लोग वहाँ नहीं गए और आ गए छत पे वीडियो बनाने के लिए, रील्स बनाने के लिए। और अभी आप लोगों ने हमारे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो नहीं किया तो जाकर कर लेना, उधर भी 60 के होने कम्प्लीट होने वाले हैं। तो अभी तक जिसने हमारे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो नहीं किया तो जाकर कर लेना, उस पर डेली अपडेट आती रहती है। तो चलो आज के लिए इतना ही, तो बाय ऑल फ्रेंड्स, और लव यू ऑल फ्रेंड्स इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। बाय ऑल फ्रेंड्स।